क्रिकेट की बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउसैट इन एसोसिएशन विद 5paisa.com। डेविड वॉर्नर, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन, सनराइजर्स हैदराबाद के गुरुकुल के तीन स्तंभ। इस सीजन पहली बार ये तीनों एक साथ खेलने उतरे और SRH की मोहब्बतें मूवी पूरी हो गई। टीम को आखिरकार IPL 2021 की पहली जीत मिली गई। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट? हाउस दैट? दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। चिपक में खेले गए IPL 2021 के 14वें मैच में SRH ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से परास्त कर दिया। इससे पहले मैच में टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान KL राहुल ने पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। वानखेड़े से आई पंजाब की टीम चेन्नई में सेट होने से पहले ही सिमट गई। पूरे 20 ओवर भी ना खेल पाई पंजाब ने 120 रन बनाए। जवाब में जॉनी बेस्टो और डेविड वॉर्नर ने एक बार फिर से SRH को कमाल की शुरुआत दी। वॉर्नर बाद में 37 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बेस्टो इस बार अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। नाबाद 63 रन बनाने वाले बेस्टो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जीत के बाद उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, अपनी टीम को जीत दिलाकर चांद पर पहुंच गया हूं। ज्यादातर गेम्स में हम जीत के काफी करीब थे, लेकिन जीत नहीं पाए। ईमानदारी से कहूं तो इसके पीछे हमारी लापरवाही थी। इस बार जीत कर खुश हूं। हर गेम में हमने देखा कि पावर प्ले के बाद चीजें मुश्किल होती जाती हैं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना बेहद अहम था। मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि केन कितना अच्छा है। SRH के कप्तान डेविड वॉर्नर भी जीत से बेहद खुश दिखे। उन्होंने अपने बोलर्स को जमकर सराहा। वॉर्नर ने कहा, बेहद खुश हूँ, बोलर्स ने बेहद शानदार काम किया। विलियमसन को टीम में लाने के पीछे का गेम प्लान गेम को एंकर करने का था। वो स्ट्राइक बहुत अच्छे से रोटेट करते हैं। स्पिन के खिलाफ उनके इम्पैक्ट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अभिषेक एक युवा खिलाड़ी है। हमने उसे इस सीजन खूब बॉलिंग करने को कहा और उसने किया भी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसे पहला ओवर फेंकना है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहता। इस सीजन पहली बार खेलने उतरे केन विलियमसन ने भी अच्छी बैटिंग की। उन्होंने पहला विकेट खोने के बाद अक्सर लड़खड़ा जाने वाली SRH को अच्छे से संभाला। विलियमसन इंजरी के चलते शुरुआती मैचेस में नहीं खेले थे। मैच के बाद उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, मेरे टखने में थोड़ी सी चोट है, अभी अच्छा लग रहा है, पहला मौका पाना अच्छा था। 4 मैचों में अपनी पहली जीत दर्ज कर सनराइजर्स हैदराबाद अब पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। टीम का अगला मैच संडे 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है। ये खबर आपके लिए लिखी है सूरज ने। कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।